हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी सोलर सिस्टम समझना स्टार्ट किए हैं या समझना चाहते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। आज हम जानेंगे वो डिवाइस, वो कंपोनेंट्स जो सोलर सिस्टम में यूज होते हैं, जिसका हम सोलर सिस्टम में यूज करते हैं, जिनके बिना सोलर सिस्टम पूरा नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आता है नंबर 1 पे सोलर पैनल। जी हाँ, सोलर सिस्टम बिना सोलर पैनल के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सोलर सिस्टम में सबसे पहले तो सोलर पैनल ही आएगा। तो नंबर 1 पे है सोलर पैनल, जिसे हम सोलर मॉड्यूल भी बोलते हैं। इस सोलर पैनल में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, तो सन के द्वारा एनर्जी लेके, सन के द्वारा फोटोन रेज लेके, सन के द्वारा एक रेज आता है जो फोटोन रेज कहलाता है, उस फोटोन रेज को लेके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है। फोटोन एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद देखते हैं दूसरा कंपोनेंट्स। तो दूसरा कंपोनेंट्स है माउंटिंग स्ट्रक्चर। जी हाँ, सोलर पैनल तो हम ले लिया, अब उस सोलर पैनल को लगाने के लिए, होल्ड करने के लिए, जी रोकने के लिए, सपोर्ट के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो उसे फिक्स रखे एक एंगल पे, एक साइड पे, ताकि वो मूव ना कर सके या फिर हवा में वो उड़ ना जाए, तेज हवा में वो उड़ ना जाए। इसलिए हमें एक सपोर्ट के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो बहुत तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, आप देख पा रहे हो, 2 तरह के मैंने फिगर लगा रखे हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इस पे डिटेल्स में वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो इस पे अभी तक वीडियो नहीं बना है डिटेल्स में, तो मैं वो भी बनाऊंगा स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका तीसरा कंपोनेंट्स देखते हैं। तो तीसरा है चार्ज कंट्रोलर। अब चार्ज कंट्रोलर क्या है, तो चार्ज कंट्रोलर एक बीच का मीडियम है जो पैनल और बैटरी के बीच में आता है। चार्ज कंट्रोलर क्या काम करता है, बैटरी को ओवर चार्ज, डीप डिस्चार्ज या रिवर्स करंट से बचाता है। इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोलर के लिए। अगर हम बैटरी लगाएंगे तो हमें चार्ज कंट्रोलर भी लगाना पड़ेगा, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चार्ज कंट्रोलर पे मैंने बहुत सारे वीडियो स्पेशली बनाए हैं, आप देख सकते हो। समझना चाहते हो आप चार्ज कंट्रोलर को, तो आप उन सारे वीडियो को देख सकते हो जो मैंने स्पेशली चार्ज कंट्रोलर पे बनाए हैं। इसके बाद चलते हैं, तो अगला कंपोनेंट था इन्वर्टर। जी हाँ, इन्वर्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सोलर सिस्टम में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो सोलर जो जनरेट करता है वो डीसी करंट जनरेट करता है। तो डीसी करंट को हम एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए, जिसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं किससे, इन्वर्टर से। तो इसलिए हमें इन्वर्टर का नीड होगा, जरूरत होगा। और हमारे घरों में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, अक्सर वो एसी कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो फैन, पंखा, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सब एसी से चलने वाले होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाले होते हैं। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए, डीसी करंट को कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो इन्वर्टर पे भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, अलग अलग कंपनी के इन्वर्टर पे वीडियो बनाया है, चाहे वो लुमिनस का हो, पतंजलि का हो, माइक्रोटेक का हो, काया को हो, एक्साइड का हो, सब पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, एक एक वीडियो एक एक कंपनी के इन्वर्टर पे, और उसके प्राइस पे भी वीडियो बनाया है मैंने, चाहे वो लुमिनस का प्राइस, इन्वर्टर का प्राइस हो, माइक्रोटेक का हो, पतंजलि का हो, और एक्साइड का, और भी बहुत सारे इन्वर्टर के कंपनी है, तो उन पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया स्पेशली, तो उस वीडियो भी आप देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं, अगला कंपोनेंट्स आता है सोलर सिस्टम में, वो होता है बैटरी। बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जो सोलर, आपको बताया मैंने कि सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी दिन में तो जनरेट करेगा पैनल, जब तक सन रहेगा, क्योंकि सन से एनर्जी ले रहे हैं। और वो सन जब चला जाए, यानी शाम के बाद, रात में, हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे ले पाएंगे, तो हम ले पाएंगे बैटरी से, क्योंकि दिन में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी होते हैं सबको स्टोर कर देता है बैटरी में। तो बैटरी में जो एनर्जी रहता है वो केमिकल एनर्जी के रूप में, और उसे हम कन्वर्ट करते हैं फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, जो हम रात में यूज करते हैं। तो एक तरह से बन गया ये पावर सोर्स, मतलब हमें पावर बैंक मिल गया जो एनर्जी को स्टोर करके रखे और हम रात में यूटिलाइज कर सकते हैं। और बता दूं मैं, बैटरी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोलर सिस्टम, या सोलर सिस्टम ही नहीं, ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन कैसा, कि बैटरी कितने देर में चार्ज होगा, कितने साइकिल वाला बैटरी होगा, कौन सा बैटरी हम यूज करें, कितने टाइप के बैटरी होते हैं, कौन सा बैटरी सोलर में यूज करें, कौन सा बैटरी
घर नॉर्मल घरों में यूज करें। अक्सर 10 कमेंट में से 5 कमेंट तो मुझे बैटरी पे ही होते हैं कि क्या हम सोलर बैटरी को नॉर्मल इन्वर्टर से चार्ज कर सकते हैं, क्या हम नॉर्मल बैटरी को सोलर इन्वर्टर से चार्ज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बैटरी से रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं तो ज़्यादातर वीडियो बैटरी पे ही मिलेंगे आपको, चाहे वो बैटरी के कैपेसिटी को लेके हो, चाहे बैटरी का पावर को लेके हो, चाहे बैटरी का कंपनी को लेके हो। अलग अलग कंपनी पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए, चाहे ल्यूमिनस का हो, माइक्रोटेक, एक्साइड, पतंजलि, ओकाया, प्राइस पे भी वीडियो बनाया है कि कौन सा बैटरी कितने एम्पेयर का बैटरी कितने प्राइस में मिलता है, इस पे भी वीडियो बनाया है। और एक वीडियो और बनाया है इस पे कि अगर बैटरी आपका खराब हो जाए, मतलब जब काम करना बंद कर दे, तब आप बैटरी को क्या करते हो और कबाड़ में बेच देते हो। तो कबाड़ में नहीं बेचना है और उसे आप अच्छा खासा पैसा ले सकते हो। तो कैसे ले सकते हो, इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जरूर देखना। तो ये 5वां कंपोनेंट्स है जो कि है बैटरी। आगे चलते हैं, अगला कंपोनेंट्स देखते हैं। तो 5 तो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गया जो सोलर सिस्टम में चाहिए ही चाहिए। इसके बाद देखते हैं जो अगला कंपोनेंट्स है, जितने रेस्ट ऑफ सिस्टम पार्ट्स बच गए हैं, जो बैलेंस बच गए हैं, वो सारे कंपोनेंट्स, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनको सपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं केबल का, वायर का। वायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोलर में, क्योंकि सोलर में 2 तरह के वायर यूज होते हैं, एक डीसी वायर, दूसरा एसी वायर, इसीलिए इस पे भी हम लोग इसे फोकस करेंगे। 2 तरह के वायर यूज होते हैं, तो वायर भी इंपॉर्टेंट रोल हो गया इसका। उसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर, यानी जिस तरह के एमसीबी हो गया या फिर ईएलसीबी हो गया, एसपीडी हो गया, तो ये सर्किट ब्रेकर हो गया, उनका हम लोग यूज करते हैं। चाहे सर्किट ब्रेकर एक और आ जाता है फ्यूज के तौर पर, तो हम लोग फ्यूज भी यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर के तौर पे। और अगला कंपोनेंट्स है जंक्शन बॉक्स, जिसे हम लोग यूज करते हैं सोलर पैनल से जो वायर आता है, जिसको हम लोग कंबाइंड करने के लिए एक बॉक्स में, तो उस बॉक्स का भी यूज होता है, उस बॉक्स को भी हमें चाहिए होता है, लगाना होता है सोलर सिस्टम में, अगर आप ज़्यादा पैनल लगा रहे हो तो। उसके बाद आता है डीसी डीवी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, चाहे एसी हो या डीसी हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी हमें लगाना होता है, ये दोनों दोनों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ताकि हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अलग अलग, चाहे एसी हो या डीसी हो, ठीक है। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट्स है अर्थिंग, तो अर्थ हमें करना ही होता है सोलर सिस्टम में। बता दूं मैं आपको कि अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, अर्थ हमें करना ही होता है। अगर आप अर्थ नहीं लगाते हो तो आपको सब्सिडी नहीं मिल सकता है। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हो, हालांकि सब्सिडी पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, 2-3 वीडियो बनाया है, सब्सिडी कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करें, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं सब्सिडी पे, आप देख सकते हो। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हो और आपने अर्थिंग नहीं लगा रखा है, देन आप सबको सब्सिडी मिल ही नहीं सकता है, कैंसिल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अर्थ का सोलर सिस्टम में, क्यों है इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि अर्थ का सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, बिना अर्थ का हम सोलर सिस्टम क्यों नहीं लगाना चाहिए हमें, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो। इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, स्पेशली वीडियो। तो आज मैंने जो वीडियो बनाया, ये टॉपिक मेरा बनाने का मतलब ये था उन लोगों को बताना जो कि सोलर सिस्टम अभी समझना चाहते हैं, ये समझना स्टार्ट किए हैं कि कौन कौन सा डिवाइस होता है जो हम सोलर सिस्टम में लगाए, कंप्लीट हो जाए हमारा सोलर सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट आते रहते हैं मेरे कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं, तो उनका सॉल्यूशन के लिए मैंने ये आज का टॉपिक बनाने का सोचा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल में अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको सोलर से रिलेटेड और पावर सेक्टर से रिलेटेड वीडियो मिलते ही रहेंगे। हर वीडियो में हम कुछ नया बताते हैं, कुछ नया सिखाते हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।